So let's start. आज हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी सॉरी व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, के थायराइड हार्मोन का हमारी बॉडी में काम क्या है. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने पढ़ा था. जल्दी आओ बेटा, आ जाओ और फिर उसके बाद दरवाजा बंद कर दो. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने पढ़ा था कि कैसे सबसे पहले T4 हार्मोन होता है, T4 से T3 बनता है, फिर वो न्यूक्लियस पे थायराइड रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है, mRNA बनता है, mRNA से आगे प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनते हैं. एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase के पंप की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. सोडियम पोटेशियम ATP में कितने सब यूनिट्स होते हैं पंप में, हाउ मेनी सब यूनिट्स आर देयर इन द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप? यस, हु कैन टेल मी हाउ मेनी सब यूनिट्स आर देयर इन सोडियम पोटेशियम ATPase पंप? ठीक बोल रहा है, जो भी बोल रहा है बोलो. यस, सिक्स सब यूनिट, सिक्स अल्फा एंड सेकेंड. दूसरे तरीके के कौन से सब यूनिट होते हैं, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट. थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो मोस्टली बीटा सब यूनिट पे एक्ट करता है और सोडियम और पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. सोडियम पोटेशियम पंप का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप? बेटा द वे यू पीपल आर बिहेविंग ना, क्या करोगे आगे? यस, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप? हूसोएवर नोज जस्ट टेल मी, जो भी दिमाग में आ रहा है कुछ तो पढ़ाइए. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट? इट इज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ इट्स फंक्शन. एंड अदर फंक्शन, अभी मैंने जब कार्डियक एक्शन पोटेंशियल बताया है तब भी मैंने इसके बारे में बताया है. रेस्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापस लेके आना, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जब क्रिएट होता है तो उसके बाद वो ज्यादा फॉल कर जाता है, बिलो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेंशियल फॉल कर जाता है, बिलो -70 to -90 mV. तो उसको वापस RMP पे लेके आना इज द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप की जो ATPase एक्टिविटी है उसी से ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है. तो अगर कोई हार्मोन इस पंप के साथ मिलके काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन की कंजम्पशन को बढ़ा रहा है. फिजियोलॉजिकल एक्शन समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है. सो इट इज इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ पंप. पंप की एक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रही है. ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को ऑक्सीजन चाहिए. तो जितनी ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी उतना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो व्हाट कैन हैपन, व्हाट विल हैपन? जब मेटाबॉलिज्म चीज का बढ़ जाता है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है. बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, वो फटाफट यूटिलाइज हो रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपकी एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है तो आपको ज्यादा खाना पड़ेगा. ठीक है, सो अगर आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, मोर देन रिक्वायर्ड है, तो भूख लगेगी, भूख लगेगी. लेकिन मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है तो कितना ही खाओगे वो कंज्यूम होता जाएगा, तो वेट लॉस होता जाएगा. समझ जाइए इस चीज की, ये आपके थायराइड. सो बेसिकली व्हाट थायराइड इज डूइंग इज इट इज इंक्रीजिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, अब एक और चीज, जब कहीं का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो वहां पे क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है. ठीक है, कैलोरी यूज हो रही है, कैलोरी यूज का साइड इफेक्ट है हीट प्रोडक्शन होना. सो हीट प्रोड्यूस हो रही है, सो दिस एक्शन इज थर्मोजेनिक और कैलोरीजेनिक एक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन. ठीक है, प्लीज टेक नोट्स, बार दोबारा कह रही हूं, टेक नोट्स, बिकॉज आप इसको अगर एक एजेंट से पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी. ठीक है, आगे स्लाइड में जैसे जैसे करती जाऊंगी, ट्राई टू टेक स्मॉल नोट्स. सो कैलोरीजेनिक एक्शन है बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज प्रोटीन यूटिलाइजेशन है. प्रोटीन ज्यादा यूटिलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है,
इतनी तो शुगर इंटेक नहीं हो रही, तो प्रोटीन और फैट ब्रेकडाउन भी होगा, है ना। तो थिन तो हो ही गया, साथ में उसके प्रोटीन लॉस भी हो रहा है, तो मस्कुलर वीकनेस फटीक हो गया, ठीक है। अगर थायराइड मोर देन रिक्वायर्ड है, ठीक है, पैथोलॉजिकल लेवल्स है, अगेन इसके साथ साथ और क्या होगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन के जो प्रोडक्ट्स हैं, यूरिक एसिड हो गया, पोटेशियम सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ये सब जो प्रोटीन ब्रेकडाउन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, वो यूरिन में बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट लाइक कीटोजेनिक थिंग्स, ठीक है। सो लेट्स सी क्या क्या बोल रहा है ये, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। अब जर्नल इफेक्ट आप देखें, द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, वही अपन ने बात करी है, जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उतना ही मेटाबॉलिज्म होगा, तो क्योंकि ये ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करवा रहा है इसलिए मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। दिस इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, दिस इज द थर्मोजेनिक और कैलोरोजेनिक एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, कि हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसीलिए एक हाइपर थायराइड पेशेंट जो है उसको हीट गर्मी उसको ज्यादा महसूस होती है, और जो हाइपोथायराइड है उसको ठंड ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि थायराइड जितना ज्यादा होगा उतना बीएमआर ज्यादा होगा, उतना हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो ऑलरेडी जब बॉडी में हीट प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कैसे बाहर की गर्मी बर्दाश्त करेगा, ठीक है। थायराइड कम होगा तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो डल हो जाएंगे एंड उसको कोल्ड ज्यादा महसूस होगा। दिस इज कॉल्ड कैलोरीजेनिक और थर्मोजेनिक एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। T3 स्टिमुलेट्स द ट्रांसक्रिप्शन फॉर बोथ एल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स, ये कहना चाह रहा है कि एल्फा और बीटा सब यूनिट जो सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप है उस पे ये उसके साथ मिलके ये काम कर रहा है, इसलिए आपका बीएमआर जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पंप के एक्शन को ये बढ़ा रहा है। सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक और थर्मोजेनिक एक्शन, इंक्रीज बॉडी मेटाबॉलिज्म, आ जाओ जल्दी सेटल हो बेटा, ठीक है। तो पहला एक्शन तो यही है कि ये बीएमआर को इंक्रीज कर रहा है। अब बीएमआर की इंक्रीज के कारण आगे क्या क्या हो रहा है, इट विल इंक्रीज द नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो रहा है, नाइट्रोजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो रहा है, तो इट विल बी एक्सक्रीटेड, सो इंक्रीज नाइट्रोजन एक्सक्रीशन। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेज बॉडी टेम्परेचर, वो हमने बात करी ली। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑल्सो इंक्रीजेज द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन, नॉट ओनली विटामिन इवन द मिनरल्स। ऑब्वियसली जहां मेटाबॉलिज्म ज्यादा है वहां पे आपको हर चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, विटामिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म। देन इफेक्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, पहला इफेक्ट एक्शन था जर्नल बॉडी पे जो के है कि ये बीएमआर को इंक्रीज करेगा, हीट प्रोडक्शन करेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स करेगा, इंक्रीज यूटिलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स करेगा, ठीक है। सेकेंड एक्शन इसका अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम पे, हर चीज के ग्रोथ में ये काम करेगा। नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के आगे एक्सॉन्स है, डेंड्राइट्स हैं, उसके आसपास की श्वान सेल्स की बनाई गई माइलिन शीथ है, तो हर चीज पे इट इज गोइंग टू एक्ट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसमें ये ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके काम करता है, तो अगर दोनों में से एक भी हार्मोन कम होगा, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो चाहे वो थायराइड हो, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इट इज एक्टिंग इन सिंक्रोनोसिटी विद द ग्रोथ हार्मोन, तो इसलिए बस अब किसी बच्चे को मत आने देना प्लीज, बार बार डिस्टर्बेंस होता है। क्या क्या करेगा ये, ग्रोथ ऑफ सेरिब्रल एंड सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया, प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन्स बढ़ेंगे, डेंड्राइट्स बढ़ेंगे, साइनेप्टिक कनेक्शंस, जो न्यूरॉन्स के आपस के कनेक्शंस है, साइनेप्सिस बन रहे हैं वो बढ़ेंगे, माइलिन शीथ बढ़ेगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ेंगे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड वेरियस एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी जनरेशन इन न्यूरॉन्स,
सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली ब्रेन की टोटल ग्रोथ इस पे डिपेंडेंट है, राइट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन अप टू द लेवल ऑफ द सिनेप्सिस एंड न्यूरॉन्स, ठीक है, एंड इट्स पार्ट, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द थायराइड हार्मोन. जर्नल अलर्टनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू वेरियस स्टिमुलाई, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस, मेमोरी, लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज. अब ये हमने आपको क्यों बताया, अब आप खुद ही गेस कर सकते हो कि अगर कोई पेशेंट हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसकी मेमोरी कम होगी, उसके रिफ्लेक्सेस डिलेड होंगे. रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन, रिएक्शन टुवर्ड्स एन एक्शन, ठीक है, कोई काम हुआ है उसकी तरफ हमारा किस तरीके का रिएक्शन है. बाई चांस यहाँ पे एकदम से कोई पिन पड़ी हुई है, मैंने हाथ रखा है एंड आई एम विदड्रॉन माई हैंड, सो दिस इज माई रिएक्शन टू द स्टिमुलस ऑफ पेन विच आई फेल्ट बिकॉज ऑफ द पिन, ठीक है. सो उसके रिएक्शंस जो हैं वो डिलेड होंगे, उसके रिफ्लेक्सेस डिलेड होंगे, स्ट्रेच रिफ्लेक्स उसका डिलेड होगा, मस्कुलर वीकनेस होगी क्योंकि प्रॉपर सिनेप्सिस नहीं बने हैं, प्रॉपर स्टिमुलेशन मसल्स को मिल ही नहीं रही, विच इज अंडर द इफेक्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है. देन और क्या होगा, अलर्ट नहीं होगा पेशेंट, पेशेंट डल होगा, ठीक है, मेंटली डल होगा, एक फॉगीनेस रहेगी, उसके मेंटल फॉगीनेस रहेगी. सो दीज ऑल विल बी द इफेक्ट्स इफ थायराइड हार्मोन इज लेस, और अगर ये ज्यादा होगा तो व्हाट विल हैपन, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर है, बहुत जल्दी रिएक्शंस दे रहा है, तेज तेज भाग रहा है, फालतू में चिल्ला रहा है, मतलब एक होता है ना जो पर्सन ए टाइप पर्सनैलिटीज होती हैं, जो बहुत हर चीज को लेके पैशनेट होती हैं, या मतलब उनको आप अच्छे वे में कहो तो ये कहो कि बहुत ज्यादा पैशनेट है, और बुरे वे में ये कहो तो कहते कितना हाइपर है. सो हाइपर थायरॉइडिज्म इज बेसिकली हाइपर पेशेंट, जो कि हर चीज के लिए ये जल्दी होना चाहिए, ये लेट क्यों हो गया, गुस्सा जल्दी आना, मेंटल अलर्टनेस इतनी है कि प्रॉपरली नींद नहीं आ रही, ठीक है. तो ये सब चीजें हाइपरथायरॉइडिज्म में होंगी, कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन हाइपोथायरॉइडिज्म, बिकॉज बेसिकली इट इज लुकिंग आफ्टर योर नर्वस सिस्टम एंड द इमोशनल स्टेट. देन इज मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, ऑब्वियसली उसके साथ ही एसोसिएटेड है, नर्व मसल सिस्टम जो है वो अपने मस्कुलर नर्वस सिस्टम के साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है. तो इसमें क्या क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन प्रमोट्स द जीन एक्सप्रेशन फॉर ग्रोथ हार्मोन. अपन ने अभी बात करी कि थायराइड इज एक्टिंग, T3, T4 आर एक्टिंग अलॉन्ग विद द ग्रोथ हार्मोन, ये दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं. तो जो ग्रोथ हार्मोन का काम है वही इसका काम है, प्रोलिफरेशन करना, हर चीज को ग्रो करना. स्टिमुलेट द जीएच सिक्रीशन, ऑल्सो फैसिलिटेट द इफेक्ट ऑफ जीएच ऑन टिश्यूज. डायरेक्ट एक्शन से ये लीनियर ग्रोथ ऑफ बोन्स को, लीनियर ग्रोथ लंबी ग्रोथ है ना, लंबाई में ग्रोथ होना, दैट इज लीनियर ग्रोथ को ये इंक्रीज करता है. एंडोक्रोनल ऑसिफिकेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ एपिफिजियल बोन सेंटर्स. मेरा ख्याल से आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ लिया होगा कि बोन जो है वो एपिफिसिस से ग्रो करती है एंड आफ्टर मैच्योरेशन एपिफिसिस फ्यूज कर जाता है, नो मोर ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है. तो ये भी अंडर द इफेक्ट ऑफ बोथ ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड, अकेले थायराइड नहीं काम कर रहा, ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके काम कर रहा, ठीक है. दे कॉज इरप्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीथ, ऑब्वियसली. तो अगर कोई मदर हाइपोथायराइड है और उसके कारण उसका बेबी हाइपोथायराइड हो रहा है तो उसके कभी भी इनेमल प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होगा, तो ही विल हैव बच्चे के कैविटीज वाले टूथ रहेंगे बचपन से ही, क्योंकि प्रॉपर जो इनेमल डेवलप होना है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डेवलप होना है, उसके बाद डेवलप नहीं होता है. सो दैट इज अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द थायराइड हार्मोन. दे प्रमोट एपिडर्मल ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ नेल्स एंड हेयर्स. सो अगेन इससे भी आप गेस कर सकते हो कि जो हाइपोथायराइड पेशेंट होगा उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई होगी, ठीक है, उसके नेल्स ब्रिटल होंगे, हेयर फॉल उसके ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है बातें या नहीं. दे स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की ग्रोथ भी इसी से हो रही है, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज प्रोटीन, स्किन, हेयर, नेल्स, एवरीथिंग इज प्रोटीन, तो प्रोटीन भी यही डेवलप कर रहा है, बोन्स की ग्रोथ भी यही डेवलप कर रहा है, एपिफिसिस के ऊपर कितना ग्रोथ होना है वो भी यही डिसाइड कर रहा है, एंड प्लस इसके साथ साथ ये टीथ को भी इरप्ट करवा रहा है, क्लियर है. सो दिस इज मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम. नेक्स्ट वी कम टू द सीवीएस. अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले जर्नल किया जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट था, ठीक है, कि बीएमआर को इंक्रीज किया, थर्मोजेनिक एक्शन किया,
दूसरा हमने किया नर्वस सिस्टम में, जिसमें नर्वस सिस्टम की हर चीज को ये ग्रो कर रहा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, एक्सॉन, साइनेप्सिस, रिसेप्टर्स, एवरीथिंग, ठीक है। थर्ड हमने किया मस्कुलोस्केलेटन, तो मस्कुलोस्केलेटन में ये बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ को कर रहा है, हेयर नेल्स वगैरह की ग्रोथ को ये देख रहा है, ठीक है। अब फोर्थ आया आपका कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब जहां बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है, तो ऑब्वियसली हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी तो जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, जब क्विकली कंज्यूम हो रही है, उतना ब्लड वहां पे पहुंच पा रहा है, तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, ठीक है। बिकॉज मैंने बहुत बच्चों से पूछा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, डायस्टोलिक किस पे डिपेंड करता है, और मुश्किल से मुझे 5 या 10% बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा वाइवा में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पे। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से क्या डिसाइड हो रहा है, कार्डियक आउटपुट। तो जहां पे भी कार्डियक आउटपुट बढ़ रही है, वहां पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट जैसे कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि मस्कुलर जो मसल्स काम कर रही हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डायस्टोलिक जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, कितना वेजो डायलिटेशन या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर वेजो डायलिटेशन हो रहा है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल फॉल डाउन एंड द ब्लड प्रेशर विल फॉल डाउन। यही आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज था विच यू कुड नॉट आंसर, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इज, कर लेते हैं, इज इट ओके इफ वी डाइवर्ट अ लिटिल फ्रॉम द टॉपिक एंड डू द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सरसाइज जो है उसमें व्हाट हैपेंस इज कि वेजो डायलिटेशन तो हो रही है, मसल्स काम कर रही है, तो उसको सप्लाई करने के लिए वेजो डायलिटेशन तो हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। तो व्हाट इज हैपनिंग के वेजो डायलिटेशन इज हैपनिंग टुवर्ड्स द वर्किंग मसल्स, लेकिन रेस्ट ऑफ द जीआई, जैसे रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो कि जीआई हो गया, नर्वस सिस्टम, जो एट दैट टाइम डाइजेशन की जरूरत नहीं है, एट दैट टाइम कोई बहुत ज्यादा नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है, एक्सक्रीशन की जरूरत नहीं है, तो इन सिस्टम से में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है और जो मसल्स काम कर रही है उनमें वेजो डायलिटेशन हो जाती है। एक तरीके से ये कह लो कि इट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। इन माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सरसाइज व्हाट इज हैपनिंग इज ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम एट दैट प्रेजेंट सिनेरियो जो नॉन वाइटल ऑर्गन्स हैं टू द वाइटल मसल्स जो के काम कर रही है, ठीक है। सो टोटल एक्शन जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि एक तरफ वेजो कॉन्स्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी तरफ वेजो डायलिटेशन हो रही है, इट इज बैलेंसिंग इटसेल्फ आउट। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इफेक्ट नहीं आएगा, इट विल रिमेन द सेम। सिस्टोलिक विल राइज क्योंकि कार्डियक आउटपुट तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब यही अगर सिवियर एक्सरसाइज में आएंगे तो सिवियर एक्सरसाइज में मसल्स को अब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो सारा ब्लड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द मसल्स, वेजो डायलिटेशन प्रॉपर हो जाएगी। वेजो डायलिटेशन जब ज्यादा हो जाएगी, मच मोर देन द वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन विच इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, सो व्हाट विल हैपन, पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल फॉल डाउन, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल फॉल डाउन, ठीक है, क्लियर है। सो दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द चेंजेस इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब इसमें क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन क्योंकि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। डायस्टोलिक को क्या है, ये वेजो डायलिटेशन कर रहा है, इसके साथ साथ क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज कॉजिंग वेजो डायलिटेशन। वेजो डायलिटेशन करेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ये फॉल करेगा, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल फॉल। सिस्टोलिक राइज कर रहा है, डायस्टोलिक फॉल कर रहा है, इट्स ऑलमोस्ट हैपनिंग द सेम थिंग जो कि माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में हो रहा था। तो इससे क्या होगा, पल्स प्रेशर का वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाएगा, सिस्टोलिक माइनस द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो वेरिएशन काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका एक्शन है कि ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करेगा, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, जो आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको ये कम करेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, डायस्टोलिक विल फॉल डाउन, एंड द पल्स प्रेशर का जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। सो थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ बीटा रिसेप्टर्स ऑन द नोडल टिश्यूज, ये आप कर चुके हो, बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स जो है वो इन्हीं बीटा रिसेप्टर्स पे ऐड करते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि पेशेंट्स को
हाइपरटेंसिव पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर एंड सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ये बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर ही एक्ट करते हैं, ठीक है। ये थायराइड भी उसी बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ बीटा रिसेप्टर्स टू कैटेकोलामाइन, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीजेस, हार्ट रेट इंक्रीजेस, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। डायस्टोलिक, क्योंकि इसका कैलोरीजेनिक एक्शन है तो ये बॉडी टेम्परेचर को राइज करेगा, वेसोडायलेटेशन करेगा एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देगा, जिससे डायस्टोलिक प्रेशर फॉल कर जाएगा, सो पल्स प्रेशर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसमें कोई डिफिकल्टी समझने में सीवीएस के ऊपर एक्शन को? तो अगर पेशेंट हाइपोथायराइड होगा तो क्या होगा, हू कैन टेल मी? हाँ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम होगा, ठीक है, पल्स प्रेशर के जो वेरिएशन है वो कम होगी, ठीक है। सीवीएस पे इफेक्ट हो गया, अब हम आगे करेंगे। ये अगेन वही चीज उन्होंने एक उसमें बता दी आपको, बस दैट्स इट। चलिए ठीक है, बाकी इसका जीआई पे भी एक्शन होता है थायराइड का, जो कि इसमें पीपीटी में मेंशन नहीं है। जीआई की ऑब्वियसली हर जगह की कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस को, मस्कुलर एक्टिविटी को ये मेंटेन कर रहा है, तो अगर थायराइड हार्मोन कम होगा तो जीआई जो सिस्टम है वो कम काम करेगा, उसकी मूवमेंट्स कम हो जाएगी, पेरिस्टाल्टिक वेव्स एंड जो बेसल वेव्स होती हैं वो उसकी कम हो जाएंगी। सो एक हाइपोथायराइड पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होगा, हाइपरथायराइड पेशेंट टुवर्ड्स डायरिया साइड होगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ वी कम टू द अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में दो चीजें, एक हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म पे ज्यादातर नोट आ जाता है, स्पेशली ऑन ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। सो प्लीज अच्छे से देख लो कि ग्रेव्स डिजीज क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, ग्रेव्स हाइपो है या हाइपर है, हैव अ लुक प्रॉपरली, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है कि हाइपर सेक्रेशन हो रहा है थायरॉयड का, प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि सीधे उस ग्लैंड से ही चीज रिलेटेड है, सो थायराइड से ही अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है T3 T4 हॉर्मोन्स की तो इट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी क्या है, आउटसाइड द थायराइड ग्लैंड अगर कुछ हो रहा है। आउटसाइड द थायराइड ग्लैंड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कि थायराइड में कुछ नहीं हो रहा, आउटसाइड द थायराइड कुछ हो रहा है? हाँ, पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी हॉर्मोन हो गया, TSH इंक्रीज हो गया, ठीक है। हाइपोथैलेमिक कोई प्रॉब्लम हो गई, TRH इंक्रीज हो गया, बिकॉज T3 T4 तो फाइनल प्रोडक्ट्स है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी TSH, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस TRH, ठीक है। सो आउटसाइड इज सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, स्टॉप टॉकिंग एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये रेड सूट बेटा आपको पढ़ना नहीं है ना, तो प्लीज गो आउट। यस, आप पीछे मुड़ के बातें कर रहे हो, चलो जाओ बाहर। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स, अपन ये करते पढ़ाते पढ़ाते ही अपन ने ये डिसाइड कर लिया था कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। हमने कहा था पेशेंट हाइपर होगा, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या, उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, वो मेंटली भी ज्यादा अलर्ट होगा, वो इरिटेबिलिटी वगैरह भी उसकी ज्यादा होगी। आई एम नॉट गोइंग टू से अगेन, प्यार से बोल दिया तो बाहर चलो, आउट। व्हाट हैपेंड, व्हाट, सॉरी, आप पीछे मुड़ के, मैं बोल रही हूं कंसंट्रेट कर लो, कंसंट्रेट कर लो, कंसंट्रेट कर लो, प्लीज गो आउट। हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, हीट इनटॉलरेंस, थर्मोजेनिक एक्शन है, कैलोरीजेनिक एक्शन है, तो हीट को टॉलरेट कर ही नहीं पाएगा, बहुत गर्मी लगेगी उसको, फटीग, मसल्स वीकनेस रहेंगी, साइनेप्सिस प्रॉपरली ओवर स्टिमुलेट होते जाएंगे, मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी बिकॉज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका है। ट्रेमर्स, अगेन सेम रीजन, क्योंकि फटीग से पहले की जो पोजिशन होती है वो ट्रेमर्स होती है, तो इतना प्रोटीन यूटिलाइजेशन हो रहा है, इतना मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है कि देयर विल बी फाइन ट्रेमर्स। स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन क्यों हो रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। पैल्पिटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैल्पिटेशन? पैल्पिटेशन का मतलब, ट्रेमर का मतलब समझते हो ना, ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है,
कांपना है ना, हाथ पैर कांपते हैं। पैल्पिटेशन का मतलब क्या होता है, दिल की धड़कन महसूस होती है, फील होती है ऐसे टक टक टक। कई बार अपन बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो अपना दिल ऐसे धड़क रहा होता है ना, कहते दिल धड़क रहा है, सो दैट इज बेसिकली पैल्पिटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रही है, तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगी, वो पेशेंट को महसूस होगी कि सारे टाइम मेरा दिल धड़कता रहता है तेज से। ठीक है, पैल्पिटेशन, नर्वसनेस, नर्वसनेस तो होगी, इरिटेबिलिटी है, नर्वसनेस, हाइपरफेजिया, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, जो भी खा रहा है बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है, तो हाइपरफेजिया, ज्यादा खाना, बहुत खाएगा, लेकिन हाइपरफेजिया के अलावा के बावजूद वेट लॉस होगा, क्योंकि जो भी खा रहा है वो यूटिलाइज होता जा रहा है। हाइपर डेफिकेशन, अगेन एज आई टोल्ड यू कि जीआई सिस्टम की मोटिलिटी को थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है, तो अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो मोटिलिटी कम होगी और कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर ज्यादा होगी तो इट विल कॉज डायरिया लाइक कंडीशन। लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो लॉस, आई होप यू अंडरस्टैंड, सेक्स करने की इच्छा नहीं रहती पेशेंट में। ओलिगोमेनोरिया, एलोगोमेनोरिया मीन्स डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, या डिलेड मेंस्ट्रुएशन, महीने भर से ना आके दो या तीन महीने बाद पीरियड्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है? सो दीज आर द सिम्टम्स, साइंस, साइंस, सिम्टम क्या होता है जो पेशेंट आपको बताता है, साइंस क्या है जो दिखते हैं सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सिम्टम्स तो पेशेंट ने बता दिए कि मुझे इरिटेबिलिटी होती है, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव, मुझे गर्मी टॉलरेट नहीं होती, मेरे को मेंसेस प्रॉपर नहीं आ रहे, ये सब, मुझे भूख बहुत लगती है फिर भी मेरा वेट लॉस हो रहा है, ये सब पेशेंट ने बताया। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया इज इंक्रीज इन हार्ट रेट, नहीं जाना बैठ जा, इंक्रीज इन हार्ट रेट और खड़ी है गर्मी में। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन, जब हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट की जो मसल है वो एक तरीके से फटीग टाइप में चली जाती है, तो फिब्रिलेशन, वही ट्रेमर्स जो हमें हाथ में हो रहे वो हार्ट में फिब्रिलेशन या फ्लटर महसूस होना आ जाता है। ठीक है, सो एट्रियल फिब्रिलेशन। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अपन ने बात करी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जितना कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, जितना कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इंक्रीज पल्स प्रेशर, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, डायस्टोलिक फॉल हो गया है, तो पल्स प्रेशर में वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गई है। फाइन ट्रेमर्स, अगेन इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। थायराइड स्वेलिंग, गोइटर, गोइटर इज थायराइड स्वेलिंग। नाउ अंडरस्टैंड कि गोइटर जो है दैट इज नॉट हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, और गोइटर इज अ साइन, गोइटर आपका ट्यूमर में भी अगर स्वेलिंग आ रही है तो वो भी गोइटर है, अगर हाइपरथायराइडिज्म में स्वेलिंग आ रही है तो वो भी गोइटर है। ठीक है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बात करी थी कि वार्म स्किन रहेगी क्योंकि वेजोडायलिटेशन हो रही है, मसल की वीकनेस हो जाएगी, आई बॉल्स विल प्रिट्यूड, आई बॉल्स बाहर को प्रिट्यूड कर जाएंगे, आईलिड्स जो हैं वो रिट्रैक्ट कर जाएंगे, तो आईलिड रिट्रैक्ट कर, ये अगर पीछे चला जाएगा तो ऑब्वियसली आई बॉल्स ऐसे प्रिट्यूडेड दिखेंगी। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि जो एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मसल्स हैं वो वीक हो गई है, तो एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मसल्स वीक होने के कारण अंदर धस गई हैं, जिसके कारण आई बॉल प्रिट्यूडेड हमको दिखनी शुरू हो गई है। ठीक है, रिट्रैक्टेड लिड्स, एक्सोप्थेल्मोस, एक्सोप्थेल्मोस इज प्रोड्यूसिंग आई बॉल्स विद रिट्रैक्टेड लिड्स। ठीक है, सो दिस इज अ साइन। पेरीऑर्बिटल एडिमा, आंखों के आसपास या नीचे यहां पे सूजन रहेगी पेशेंट की। गायनेकोमेस्टिया, मेल्स में ब्रेस्ट की डिवेलपमेंट ज्यादा हो जाएगी, दैट इज गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म इन साइन। अब करना क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, वी आर गोइंग टू पहले डायग्नोज है, डायग्नोज कैसे करेंगे, T3, T4, TSH कराएंगे। इसमें क्या होगा, जो फ्री हॉर्मोन्स है T3, T4 जो है वो रेस्ड होंगे, TSH जो होगा वो लो होगा। क्यों? क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है, अगर ब्लड में T3, T4 लेवल्स बढ़ेंगे तो TSH विल हैव टू कम डाउन इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट। अगर T3, T4 कम हो गए हैं तो TSH ज्यादा आएगा, पिट्यूटरी विल स्टिमुलेट and produce more TSH to increase the levels. ठीक है, in secondary hypothyroidism TSH is high along with high T3 T4. basis of treatment, हमको antithyroid drugs देने हैं, this is so exhausting it is. अब हमको antithyroid drugs देने हैं, that is the only possibility, otherwise hypothyroidism को control करने के लिए कुछ और नहीं है। antithyroid drugs is the mainstay of treatment, they usually inhibit the iodine trapping mechanism,
मैकेनिज्म आपने T3 T4 फॉर्मेशन का पढ़ा है, उसमें कैसे आयोडीन ट्रैप होती है, तो आयोडीन ट्रैप वाला जो स्टेप है वो ही गायब हो जाएगा, या फिर उससे नेक्स्ट जब आयोडीन टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा वो स्टेप आपका, उसके ऊपर ये एंटीथायरॉइड मेडिसिन जो है वो ऐड करेंगी ताकि फ्री T3 T4 बने ही नहीं, ठीक है, कम बने। एंटीथायरॉइड ड्रग्स आर थायोनेमाइन्स, एनायंस, हाई डोजेस ऑफ आयोडाइड, नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स एंड रेडियो आयोडीन। जी आप आगे फार्मा में पढ़ोगे सो वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू मच हियर। थायरोटॉक्सिकोसिस छोड़ दो, अब आओ ग्रेव्स डिजीज। थायरोटॉक्सिकोसिस इज दैट स्टेज जहां पे थायराइड के T3 T4 लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पेशेंट टॉक्सिक स्टेज में आ गया है, ठीक है। नाउ ग्रेव्स डिजीज क्या है? सो ग्रेव्स डिजीज इज अ कंडीशन इन विच देर इज अ डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड विच इज यूजली एसोसिएटेड विद एक्सोप्थेल्मोस। एक्सोप्थेल्मोस क्या था? प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स विद रिट्रैक्टेड लिड, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, TSH रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। द एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट द TSH रिसेप्टर्स एक्टिवेट द रिसेप्टर्स सो द थायराइड ग्लैंड बिकम हाइपरट्रॉफीड। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें TSH रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बनेंगी एंटीबॉडीज जो कि उसको एक्टिवेट करती है रिसेप्टर्स को। अंडरस्टैंड दिस कि अभी तक हमने जहां पे भी ऑटो एंटीबॉडीज की बात करी है हमने कहा कि रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। किस पोजीशन, कौन सी एक डिजीज जिसमें हमने ऐसे बात करी थी? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाँ कौन सी? मायसिना ग्रेविस। मायसिना ग्रेविस में अपन ने बात करी थी एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके उन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ क्या हो रहा है, उन रिसेप्टर्स को ये हाइपर स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है। सो TSH रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपरट्रॉफिड एंड हाइपर एक्टिव बन जाएगा। सो कौन सी स्टेज हो गई, ये हाइपरथायरॉयडिज्म वाली स्टेज हो गई, ठीक है। मार्क स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, प्लाज्मा लेवल बहुत हाई होंगे, TSH कंसेंट्रेशन इज लेस एज एक्सेस थायराइड इनहिबिट द TSH, वही बात है। एक्सोथेल्मोस हो गई क्योंकि एक्स्ट्राकुलर मसल्स में स्वेलिंग आई एंड प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिंग टिश्यूज, छोड़ दो। डिजीज इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटी थायराइड ड्रग्स। अगर ग्रेव डिजीज पे शॉर्ट नोट आता है तो आपको बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स ही लिखने हैं, ठीक है, क्लियर है, वही साइंस एंड सिम्टम्स जो हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में लिखे। नाउ वी कम टू हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कम हो जाना, हाइपर का मतलब इंक्रीज हो जाना। जो जो चीजें उसमें बड़ी थी वो सब इसमें कम हो जाएंगी। तो क्या कम हो जाएगा, पेशेंट डल होगा, पेशेंट का वेट गेन होगा, उसका BMR बहुत कम होगा, उसको कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, कोल्ड वो टॉलरेट, ज्यादा ठंड लगेगी उसको, एंड मेंटली थोड़ा फॉगिनेस रहेगा उसमें, ठीक है। अब अगेन इसको हम मिक्सेडिमा भी बोलते हैं, दो तरीके का है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है, जो थायराइड में ही होगा, सेकेंडरी जो थायराइड के बाहर किसी ग्लैंड में होगा जैसे कि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस। ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म इज हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस। याट्रोजेनिक, याट्रोजेनिक का मतलब होता है कि एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, ठीक है, इट कुड बी कि पेशेंट आयोडीन, ये क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन को ज्यादा, कहाँ हो सकता है रेडियो एक्टिव आयोडीन को एक्सपोजर, लैब्स में भी हो सकता है और अंडरमाइनिंग में भी हो सकता है, जहां रेडियो एक्टिविटी की माइनिंग होती है वहां पे भी, क्योंकि पता ही नहीं होता कि क्या क्या निकल रहा है, ठीक है। सो एक्सेस यूज ऑफ रेडियो आयोडीन, थायरॉयडेक्टमी, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाना, एंटी थायराइड ड्रग ज्यादा ले लेना मोर देन रिक्वायर्ड, एंड देन कंजेनिटल मदर से ही आगे ट्रांसफर हो जाना, ठीक है, सेकेंडरी पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के कारण हो सकता है। थायराइड रेजिस्टेंस छोड़ दो, सिम्टम्स क्या आएंगे क्विकली, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, ऑब्वियसली बात कर ही ली हमने, वीकनेस एंड इजी टायर्डनेस, ड्राई थिक स्किन, ठीक है। ड्राई थिक स्किन क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोटीन नहीं बन रहा, जो स्किन के नीचे जितने भी कॉलेजन और ये सब प्रोटीन्स हैं
और जो प्रोटीन्स का एसोसिएशन है आपस में लिंकेजेस है वो सब थायराइड पे डिपेंड कर रहे हैं। थायराइड नेल स्किन हेयर सबको कंट्रोल करता है, तो हाइपोथायराइड में ये तीनों चारों चीजें गड़बड़ रहेंगी। सो ड्राई स्किन रहेगी, लॉस ऑफ हेयर रहेगा, पुअर मेमोरी, इनएबिलिटी टू कंसेंट्रेट, कॉन्स्टिपेशन बात कर ही ली अपन ने, जीआई मोटिलिटी कम होगा, वेट गेन इन स्पाइट ऑफ पुअर एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म लो है तो उसको खाने की भूख तो नहीं लगेगी लेकिन वेट गेन उसका फिर भी होता रहेगा। क्योंकि क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में इतना डिलेड है कि जितना भी वो खा रहा है वो फैट की डेपोजिशन ही हो रही है, प्लस जीआई मोटिलिटी भी कम है तो डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो रही, प्लस उसकी खुद की एक्टिविटी भी कम है, इतना फिटीड है वो कि वो खुद भी एक्सरसाइजेस या कुछ उसमें नहीं करना चाह रहा, स्लीप ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, डलनेस हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। सो ऑल दीज आर कंट्रीब्यूटिंग फीचर्स टू द वेट गेन। थिक एंड हस्की वॉइस, येलो स्किन, येलो स्किन क्यों होती है, क्योंकि कैरोटीन जो है वो कन्वर्ट होती है टू विटामिन ए अंडर द एक्शन ऑफ थायराइड। इतना डिटेल हम पढ़ेंगे नहीं, ये आपके थोड़ा पीजी लेवल का है, लेकिन क्योंकि विटामिन ए बन नहीं रहा है, कैरोटीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसके कारण येलो कलर आ जाएगा स्किन में। देयरफॉर डेफिशिएंसी कॉजेस डिपोजिशन ऑफ कैरोटीन। एलोपीसिया, एलोपीसिया क्या होता है, हेयर, हाँ बाल्डनेस, हेयर लॉस, ठीक है। साइकोसिस, मिक्सडीमा मैडनेस कहते हैं इसको, साइकोसिस वही डिप्रेशन टाइप ही होता है, ठीक है। मेनोरेजिया, फीमेल्स में पीरियड्स का बढ़ जाना, ग्लेक्टोरिया, ब्रेस्ट से मिल्का आना, इनफर्टिलिटी, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक्सटर्नली थायरॉयड हार्मोन देना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। साइंस हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कूल एक्सट्रीमिटीज, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाना, पफी फेस विद एडिमेटस हैंड्स एंड मिक्सडीमा होना, डिफ्यूज एलोपीसिया मतलब बीच बीच में डिफ्यूज लॉस है हेयर का, गोइटर, गोइटर इज स्वेलिंग ऑफ द थायरॉयड। नाउ अंडरस्टैंड, उसमें भी स्वेलिंग ऑफ द थायराइड था, इसमें भी स्वेलिंग ऑफ द थायराइड है, सो गॉइटर इज नॉट हाइपोथायरॉयडिज्म, गॉइटर इज अ साइन ऑफ इंक्रीज स्वेलिंग, थायराइड स्वेलिंग। देन अनीमिया, डिक्रीज रिएक्शन टू टेंडन रिफ्लेक्सेस, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है पढ़ा है आप लोगों ने, कंप्रेशन हो जाएगा नर्व का, जिसके कारण व्हाट हैपेंस, पेशेंट की क्लॉ हैंड टाइप रहेगा, पेन बहुत ज्यादा रहेगा, प्रॉपरली फिस्ट क्लोज नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ स्वेलिंग इन द टेंडन। बीएमआर डिक्रीजेस टू अबाउट -40, कोलेस्ट्रॉल इज यूजली एलिवेटेड, हो गया। डायग्नोसिस, T3/T4 लेवल्स डिक्रीज है, TSH इंक्रीज है। ट्रीटमेंट, मेन से थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन सी गोली होती है, हाँ थायरोनोम भी है, और बताओ, कॉमनली आपके घरों में किसी ना किसी को थायराइड जरूर होगा, एल्ट्रोक्सिन, एल्ट्रोक्सिन जाके देखना, मोस्टली फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 40 और समथिंग, हाफ ऑफ द मदर्स मस्ट बी हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म, सो दे आर टेकिंग एल्ट्रोक्सिन और थायरोनोम, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, एज एंड वॉट रिक्वायर्ड चलता ही है पेशेंट को, ठीक है। चिल्ड्रन, बच्चों में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसे कहते हैं क्रेटिनिज्म, अडल्ट्स में मिक्सडीमा, बच्चों में क्रिएटिनिज्म। तो अब क्रेटिन चाइल्ड, क्रेटिन चाइल्ड के फीचर्स आप बहुत अच्छे से खुद ही सोच सकते हो, हाइट छोटी होगी, प्लम्प होगा, मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड होगा, बैठा रहेगा, प्रिट्यूडिंग बेली होगी, हेयर और स्किन, हेयर ड्राई, हेयर का कम बाल होंगे, स्किन बहुत ड्राई होगी, ठीक है। सो लेट्स सी, क्रिएटिनिज्म इज हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन, व्हेन हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप्स फ्रॉम और बिफोर बर्थ द पेशेंट्स आर कॉल्ड क्रेटिन, ठीक है। क्रेटिन चाइल्ड को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हेन ही कम्स इनटू द ओपीडी। एक ही कंफ्यूजन होता है, वो होता है सेरिब्रल पाल्सी के साथ, लेकिन सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है कि बिल्कुल ही पेशेंट मतलब मस्कुलर वीकनेस बहुत ज्यादा होती है और ज्यादातर उसका फोरहेड भी प्रोट्यूडेड होता है। क्रेटिन चाइल्ड रिजेंबल्स Whatever I was talking about, it's too hot. Causes, maternal iodine deficiency. अगर मदर को प्रेगनेंसी में ये सिर्फ ऑन ही करना था क्या, या कुछ खराब था इसमें, नहीं तो अभी क्लास ले लेती मैं।
मेटर्नल आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या एक्सक्यूज नहीं कंसंट्रेट थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं प्रॉपरली फीटल लाइफ में इनबॉर्न एरर्स ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस या एंटी थायराइड एंटीबॉडीज हो गई फीमेल में जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए या फिर फीटल लाइफ में हाइपोपिट्यूटरीज्म हो जाए. इन सब के कारण प्लीज कीप क्वाइट एंड कंसंट्रेट, दिस इज द लास्ट टॉपिक. ठीक है, सो क्रेटिन चाइल्ड के रीजन कॉजेस क्या है कि या तो थायराइड ग्लैंड नहीं बना या उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज बन गई या पिट्यूटरी के लेवल पे कोई डिस्टर्बेंस हो गई या मदर की आयोडीन इनटेक कम थी और वो आयोडीन बच्चे के पास नहीं पहुंच सका. ठीक है, फीचर्स क्या होगा, पेशेंट रॉक होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, पॉक बेली होगा, प्रोट्यूशन ऑफ टंग, डॉग मेंटली रिटार्डेड, पॉट बेली, प्रोट्यूशन ऑफ टंग, ये चार फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में एक क्रेटिन चाइल्ड को. अदर फीचर्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट, क्या ड्राई स्किन, कम हेयर और कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड. ठीक है, दिस इज अ क्रेटिन चाइल्ड, हैव अ लुक प्रॉपरली क्योंकि आपके ये बायरा में भी पूछा जाता है आइडेंटिफाई करो क्या है. सो यू कैन सी प्रोट्यूटेड बेली, थोड़ा मेंटली रिटार्डेड, प्रोट्यूटेड टंग. अब आए थायराइड फंक्शन टेस्ट पे. थायराइड फंक्शन टेस्ट बहुत सिंपल, T3 T4 देखो, TSH देखो. ठीक है, कोई एंटीबॉडीज हैं तो एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा लो, दैट इज इट. इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या करना है, कैल्शियम को देख लो. ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट भी कई बार करवाना पड़ता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन और थायराइड ज्यादातर एक साथ ही कम हो जाते हैं, मतलब अगर बच्चा है तो, नॉट इन अडल्ट. थायराइड स्कैन करवा लो, थायराइड स्कैन से आपको आयोडीन अपटेक का पता लग जाएगा. TSH स्टिमुलेशन, T3 सप्रेशन टेस्ट आजकल हम करते नहीं है. ठीक है, इसके अलावा आप इमेजिंग करें, CT MRI कराएं और अगर रिक्वायर्ड हो तो थायराइड की बायोप्सी कराएं. ज्यादातर थायराइड की बायोप्सी तभी होती है जब उसमें ट्यूमर सस्पेक्टेड है, दैट इज इट. ये आपको टेस्ट का बताया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कैसे होंगे, हाइपर में कैसे होगा. ऑब्वियस है T3 T4 हाइपर में बढ़ा हुआ होगा, हाइपो में कम होगा. TSH उल्टा हाइपर में कम होगा और उसमें बढ़ा हुआ होगा.